लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जिस रूप में अजय मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री है भारत सरकार के, और उनकी स्पीच को सबने सुना, जब वो कह रहे हैं कि आप सबको मालूम नहीं कि मैं गृह मंत्री और सांसद बनने के पहले क्या था, मैं जिस दिन चाहूँगा ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि आप लोग यहाँ से भग जाओगे। जो अगर इस प्रकार की धमकी दे रहा है अपने पब्लिक को, अपने मतदाताओं को, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो देश के सामने है। टोटल 9 लोग मारे गए वहाँ पर। ये हृदय विदारक के जो दृश्य बना है और जिस रूप में पूरा देश देख रहा है, उसके बावजूद भी ना उन्होंने इस्तीफा दिया, ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्तीफा लेना का मैसेज दिया उनको। यूपी ऐसा प्रदेश बन गया जहाँ पर विपक्षी पार्टियों को जाने से रोकने की परंपरा बन गई है, और जैसी सरकारी मंशा होती है पुलिस वही व्यवहार करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अभी भी जो कल्पित है उनको अविलंब अरेस्ट करना चाहिए और उनको न्याय दिलाना चाहिए। ये काम वहाँ की सरकार का है। नमस्कार जनते, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी को पूरा एक सप्ताह होने को है, हो ही गया ऑलमोस्ट। संडे की घटना है 3 अक्टूबर की, और अभी तक भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके बयान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है और कहा है कि राजनीति में जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो, सांसद हो और धमकी देता हो पब्लिकली कि देख लूंगा, ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे बढ़ के उन्हें सस्पेंड करें और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसमें राज्य सरकार का रवैया कभी ऐसा राजनीति में देखा नहीं है। विपक्ष के नेता अगर कोई मिलने जा रहा है, वो मिल ही तो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी ताकि वो भरोसा कायम हो सके, और उन्हें रोका गया, उससे बवाल मचा। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने एक बार फिर बंद का और रेल रोको का आह्वान किया है। खैर चले, लेकिन ये सियासी पारा चढ़ता रहेगा। आशीष मिश्रा से पूछताछ की गई है, लंबी पूछताछ। जैसे कि अजय मिश्रा कह चुके थे कि उनका बेटा बीमार है, सैटरडे को वो क्राइम ब्रांच में उपस्थित होंगे और वहां अपना पक्ष रखेंगे। लगभग 32 क्वेश्चनरी बनाई गई जिनका जवाब आशीष मिश्रा ने बारी बारी दिया। और चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बात अशोक गहलोत के बयान की है। उन्होंने साफ कहा है कि राजनीति में ये स्थितियां उचित नहीं है, लोकतंत्र है, हमें राजनीति में वो बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। लखीमपुर खीरी है क्योंकि मुद्दा बड़ा इस वजह से भी है कि वहां चुनाव भी है, और जिन राज्यों में जहां चुनाव होता है, बात केवल कांग्रेस या विपक्षी अन्य दलों की नहीं है, जहां चुनाव होते हैं बीजेपी भी इसी तरह से हमलावर होती है। क्या हमें या तो राजनीतिक दलों को ये संयम रखना चाहिए कि चले अपनी बात कह दी, जो कुछ रिजल्ट आते हैं उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए, या फिर कहें कि देश की राजनीति इसी तरह से चल रही है तो इसमें क्या गुनाह है, आगे भी ऐसा ही सब चलना है। योगेंद्र जी, जिस तरह की घटना हुई वो तो निश्चित रूप से दर्दनाक भी है, उसकी बचना सार्वजनिक रूप से सबको करनी चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कि सुरक्षा देने के रक्षा देने का काम देश का करते हैं, यदि उनका पुत्र या उनका कोई भी मिलने वाला अगर इस प्रकार की घटना में शामिल होता है या घटना करता है, तो फिर आखिर सुरक्षा देने का काम करेगा कौन? तो देखिएगा कि जिस प्रकार की घटना हुई, घटना के बाद लीड लेने का काम प्रियंका गांधी ने किया, और प्रियंका गांधी ने सबसे पहले जिस प्रकार से प्रहार किया और जो कुछ किया उनको नजरबंद किया गया, और फिर उसके बाद पूरे राजनीतिक तौर पर
सपा भी आ गई और बाकी के लोग भी सब शामिल होकर के जिस प्रकार से विपक्ष ने एकता का दिखाते हुए जो कुछ प्रदर्शन और सब कुछ किया, और फिर कांग्रेस जिस तरह से हावी हुई और राहुल गांधी दो मुख्यमंत्री को लेकर घटना स्थल तक गए, और शुरुआत में तो निश्चित रूप से कहा जा सकते हैं कि योगी जी ने विपक्ष को जो जिस प्रकार से विपक्ष जाना चाहता था, मिलना चाहता था, वो कहते कि इस प्रकार की घटना के बाद अगर विपक्ष को खुली छूट दे दी जाए तो दंगा होने का, हिंसा होने की घटना हो सकती है। इसलिए उन्होंने कंट्रोल करने की पहले कोशिश की जो की जानी थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को उसका फायदा मिला है 100%। आने वाले वोटों में की राजनीति कितनी सक्षम हो पाएगी तो चुनाव जब होगा उसके बाद परिणाम आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस को जो कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मिलना चाहिए वो मिला नहीं मिला। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का आज बयान, क्योंकि आया देरी से आया, लेकिन वो समझदारी से आज वो बोले कि प्रधानमंत्री को इस घटना पर स्वयं लेना चाहिए और मंत्री है उसको सस्पेंड करना चाहिए, हटा देना चाहिए, तो ये नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार का आज मैंने देखा कि जिस तरह से वो बयान देने मंत्री जी के पुत्र पहुंचे हैं थाने पर, तो वहां पर 1000 लोगों को लेकर पहुंचे दबाव बनाने के लिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिस प्रकार की घटना, आप चाहे भले किसी के भी पुत्र हो पित्र हो, ये कानून सबके लिए एक नजर वाला होना चाहिए। कानून के तहत अगर अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी, उसमें आज नहीं तो कल मिलेगी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में आपको कोर्ट जाने का अधिकार है, आपको अपने सुरक्षा करने का अधिकार है, जो कुछ है। लेकिन जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि चुनावी राजनीति है और चुनावी राजनीति में हर कोई राजनीति राजनीति नहीं करेगी तो फिर राजनीति नहीं रहेगी। इसलिए जो कुछ घटना हो रही है और जो इस प्रकार से कांग्रेस ने उसको पूरे देश में उछालने का प्रयास किया और राजनीतिक लाभ लेने का फाय करता है हर एक राजनीतिक दल, तो अब आने वाला चुनाव जो मैं एक बात जानना चाहूंगा श्याम जी, कि राजनीतिक दल तो एक दूसरे पे आरोप लगाते ही है कि चिताओं पर रोटियां सेक रहे हैं या कहें कि लाशों पर रोटियां सेक रहे हैं, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति का ओछापन है, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं में नफा और नुकसान के तराजू में तोलना चाहिए? देखिए आप, क्योंकि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए वो कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से घटना को बाद में हैंडल करने का प्रयास किया कि उन्होंने जो वहां पर मृतक किसान पाए हुए उनको पैसा भी दिया, न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी, और फिर अपनी गति से जिस प्रकार से कार्रवाई करके ये बताने का प्रयास किया कि सरकार, श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, आशीष चतुर्वेदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, जो कवायद की जा रही है सरकार की ओर से, बहुत अच्छा कि आप लोगों ने 20 घंटे में ही टिकैत के जो इनके नेता है किसानों के, उनके माध्यम से आपने मुआवजा का ऐलान किया, एक बार के लिए चलो फ्यूनल की भी सहमति बन गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन एक मैसेज ये जा रहा है कि जो कुछ सरकार अब कर रही है ये कर सकती थी, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता था। विपक्ष का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद सरकार की आंखें खुली हैं और उसके बाद ही सारा प्रोसेस किया जा रहा है, और जैसा अभी श्याम जी कह रहे थे गवर्नमेंट यूपी में बीजेपी की है और आशीष मिश्रा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, इतनी फौज या इतनी भीड़ लेकर के जाने की क्या लगता आपको कि कोई जरूरत थी? देखिए योगेंद्र जी, जो 3 तारीख की घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है और हम जितनी भर्त्सना करें उतनी कम है। आप देखिए, जब 3 तारीख को ये घटना हुई तो वहां पे किसानों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? सरकार की ये प्रायोरिटी थी कि उस क्राइसिस को डिफ्यूज करती और वो जो वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको नियंत्रण में करती, और सरकार ने वही किया, तुरंत जो है अपना ADG लॉ एंड ऑर्डर को वहां भेज करके किसानों से वार्ता की ताकि एक गतिरोध जो बना हुआ था वो समाप्त हो, और सरकार ने उसको बहुत अच्छे से सुलझाया भी है। आप देखिए किसान जो है अंत्येष्टि के लिए तैयार भी हुए। अब रही बात, अब मानते हैं कि जो आरोपी जिसको बताया जा रहा है आशीष मिश्रा, जो कि गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, जैसा भी श्याम जी ने कहा, तो इसकी मुझे जानकारी नहीं कि वो कितने लोगों को लेके गए हैं। मैंने भी न्यूज चैनल देखे हैं लेकिन इस तरह की खबर मैंने नहीं देखी है, लेकिन चूंकि वो वरिष्ठ पत्रकार है तो हो सकता है उनके पास सोर्सेज होंगे, तो मैं उनकी खबर को डिनाई भी नहीं करता हूं। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि उससे अपराधी की तरह ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उससे 7 घंटे से अधिक से पूछताछ की जा रही है। और देखिए, इसमें हमने 2-3 बयान देखे हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान देखें
चाहे इंडिया टुडे की कॉन्फ्लिक्ट में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान देखें, सबने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे केस में अगर कोई आरोपी है तो उसको किसी कारण से, उसके पिता के पद के कारण से, किसी राजनीतिक दल के एफिलिएशन के कारण से, कहीं से उसको कोई रिबेट मिलने वाली नहीं है। आप देखिए योगी जी की जो छवि है ना उत्तर प्रदेश में, अभी काफी लोगों से वहां पे चर्चा करता हूं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली उनकी छवि है और वो उसी छवि के अनुरूप इसमें जांच एजेंसियां काम कर रही है। आप देखिए तो निश्चित रूप से अगर वो आरोपी है, जैसे साक्ष्य मिलेंगे तो आप मान के चलिए कि उसके साथ कोई रिबेट नहीं दी जाएगी। अब आप बात कर रहे थे इसका राजनीतिक नफा नुकसान की बात कर रहे थे, तो देखिए योगेंद्र जी मैं दो तीन बातें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। देखिए योगेंद्र जी, हम पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं कांग्रेस की राजनीति उत्तर प्रदेश में किस लेवल पे चल रही है। चाहे भट्टा पार्सल वाला एक प्रकरण हो, आपको याद होगा 2012 में जब हुआ था, जो राहुल गांधी जी गए थे और वहां पे उन्होंने धरना दिया था, उसके बाद सोनभद्र में प्रियंका गांधी जी जाती है, हाथरस में जाती है और ये लखीमपुर केस, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहां पे कांग्रेस इस तरह से करती है। अब देखिए ये तो बाई चांस की बात है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, ये तो चुनाव हो या नहीं हो राजनीतिक दल को निश्चित रूप से जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस पूरे प्रकरण में जो कल उनके रणनीतिकार हैं, कांग्रेस की रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका जो स्टेटमेंट आया उसको भी समझना चाहिए कि उन्होंने स्वयं ने बोला है कि कांग्रेस जो ये कर रही है उसका उसको राजनीतिक रूप से कोई फायदा होना नहीं है। कल जो सर्वे आया है उसको 6% मात्र वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, 6 से बढ़ के 8 भी हो जाएंगे तो भी सीटें तो उनकी फिंगर। आशीष जी एक बात जानना चाहता हूं मैं, क्या कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी इस तरह की घटना होती है नफा नुकसान के लिए ही सारे काम करते हैं? नहीं, बात नफा नुकसान देखिए हो क्या रहा है कि देखिए अल्टीमेटली देखिए योगेंद्र जी, हमको जो पब्लिक है ना जनता, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जनता सब चीज समझती है और उसका रिएक्शन कहाँ देती है जनता, जनता बिल्कुल बिल्कुल समझती है, जनता समझ रही है, तो जनता चीजों को बहुत अच्छे से समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके जो प्रदेश हैं जहां पे आप राज कर रहे हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है सबको पता है। राजस्थान में किस तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे अपराध के मामले हों, चाहे महिलाओं के मामले हों, चाहे दलितों के मामले हों, चाहे किसानों के मामले हों, सबको पता है। देखिए आजकल जो खबरें हैं ना वो एक क्षेत्र में रुकते नहीं है, राजस्थानी खबरें राजस्थान में नहीं रुक रही है, वो उत्तर प्रदेश में भी जा रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी होती है, तो सबको पता है। आप अपना प्रांत संभाल नहीं पा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 2 दिन तक राहुल गांधी जी के साथ थे, उनके स्टेट में क्या हुआ आप देखिए, वहां पे सांप्रदायिक तनाव चल रहा है और मुख्यमंत्री जो है राहुल गांधी जी के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जी? ये वरुण पुरोहित जी बताएंगे। वरुण जी अभी आपने सुना, देखिए योगेंद्र जी आपने, आपको ध्यान होगा सीनियर पत्रकार हो, श्याम जी को भी ध्यान होगा, चिकमंगलूर का चुनाव हुआ था ना, जब एक शेरनी 100 लंगूर चलो भाई चिकमंगलूर का नारा चलाया गया था, आज प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के दौरे से वही एक शेरनी दहाड़ कर रही है और इस भाजपा सरकार, कंपनी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार भयाक्रांत है, ये परेशान हो रहे हैं कि भाई इंदिरा रिटर्न्स हो गई है। आप मुझे बताइए, इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा कह रहा है रौंद दो, चला रहा है गाड़ियां किसानों पे, ऐसी आपने कोई मिसाल देखी है देश के अंदर? गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, पहले राजस्थान से एक जिसका बलात्कार का आरोपी, उसको इन्होंने हटाया नहीं, ढीठ बन के उसको बनाए रखा मंत्री, ऐसी सरकार आपने देखी है? जो मंत्री कहे गोली मार दो, सारों को बोलना नहीं चाहिए, सॉरी शब्द का उपयोग करना पड़ा, लेकिन उसको प्रमोशन दे रही है, ऐसी सरकार आपने देखी है? पूरा देश रोटी रोजगार महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है राक्षसों की सरकार से, लेकिन इनके बिल्कुल दिल नहीं पिस हो रहा। आप ही देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर उधर भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं करते। आपने कभी दुनिया में देखा है क्या 300? तो आप तो इतने देखे हो, रिपोर्टिंग करे हो, मुझे आप बता दो शपथ खा के, किसान जी बता दे शपथ खा के कि 302 का आरोपी इस कदर नोटिस दिया जाता है, उसको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, 307 में घर घर छापे मारती है पुलिस, उठा ले जाती है घर वालों को, और इनका शर्म नहीं आ रही इस बात, मेरे बोलना चाहिए, सॉरी ये शब्दों का इस्तेमाल मैं करता नहीं, लेकिन आप ये देखिए 302 के आरोपी की कैसे महिमा मंडन कर रहे हैं, क्यों कर रही है पुलिस, क्यों कर रही है? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खत्म हो चुकी, ब्राह्मणों की हत्या मार कितनी हुई, एक शब्द नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिन ब्राह्मणों की वोट लेके 90% सरकार में आए उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ये कोई बातें, कांग्रेस का नाम लेना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी नाम लेने से बच जाओगे आप? आपने सर्वनाश कर दिया 7 साल में देश का, और आप बात हर बात में राहुल गांधी प्रियंका गांधी, अरे भाई 7 साल में आपको सत्ता चलाने नहीं आ रही, छोड़ दो, आप जनता त्रस्त है आपसे, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आपको जनता ईवीएम नहीं होगा ना, मतपत्र होता तो एक सीट नहीं आए, ईवीएम में भी आप कोशिश करोगे तो भी नहीं आओगे आप,
ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ उस चैनल पे, मैं कभी झूठे दावे करता नहीं। कभी कभी कभार आपने ये शब्द सुना होगा मुझसे, आप देख लो रोटी रोजगार महंगाई का क्या हाल कर रखा है। बोलते हैं एक शब्द निंदा करते हैं, आज भी पेट्रोल डीजल गैस बढ़ा दिया, कैसी बातें कर रहा हूँ, आदमी का जीना दुश्वार कर दिया, फिर भी बात कर रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस। अरे भाई जनता समझती है, एक शेरनी की दहाड़ से कांप चुके हो आप, आपकी कंपनी सरकार ब्रिटिश राज की सरकार, पूरा देश देख रहा है, देश को बेच रहे हो जो ये। एक और बताऊं योगेंद्र जी, निजीकरण की साजिश है, रेलवे LIC को बेचने का कारण SC ST का आरक्षण समाप्त करना है इनको, ये देश की जनता SC ST के लोग समझ रहे हैं। आरक्षण जिस हिसाब से समाप्त करना चाहते हैं वो वर्ग इनको छोड़ेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, ये एक अलग हम डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं क्यों लखीमपुर खीरी और अशोक गहलोत के बयान पे मैं फोकस करना चाहूंगा क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, चीजों को एक में से एक निकालूंगा तो हम 24 घंटे की भी बहस कर सकते हैं क्योंकि बहस के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और आप लोगों के पास में इतने स्टेमिना, आप बोल भी सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है श्याम जी। लेकिन यहाँ क्या कोई बीजेपी की चूक कहें या फिर जैसे आशीष जी ने कहा कि देखिए वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को कानून व्यवस्था भी देखनी होती है कि बेहतर तरीके से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कल को अगर वहां पे प्रतिपक्ष के जाने से कोई उपद्रव होता क्योंकि भीड़ का कोई लीडरशिप नहीं होती है, उस हालात में कौन जिम्मेदार होता, इससे बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता था क्योंकि किसानों को समझाया गया, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है, तो विपक्ष को इसे अब मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इससे बेहतर तरीके से संभाला नहीं जा सकता था इस इश्यू को। तो सरकार की इस बयान को लेकर के क्या लगता आपको कि विपक्ष समझ जाएगा, आम जनता को समझ में आ जाएगी, या ये मान के चले कि हाँ बिल्कुल इससे बेहतर कदम सरकार उठा नहीं सकती थी। योगेंद्र आपने कोर्ट चला कोर्ट जी करता जी। सरकार को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ती है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश करनी पड़ती है, जो योगी जी ने कार्रवाई की उनको पता था कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट हमको दिशा निर्देश देगा तो हमारी फिर क्या स्थिति रह जाएगी, इसलिए उनको कार्रवाई तत्काल करके दिखाना पड़ा। लेकिन उनकी ये संवेदनशीलता तो रही कि टिकट को उन्होंने किसी तरह मैनेज करके कहा कि इनको अनुमति दी जाएगी, उनको किसान तक ले जाया भी गया, बातचीत भी हुई और मुआवजा तत्काल देने की कार्रवाई भी हुई, और उसके बाद जिस प्रकार से न्यायिक जांच भी कहा, सब कुछ कहा, उनको पता है कि विपक्ष सारी चीजों की मांग करेगा तो अपन स्वज्ञान लेते हुए सारी चीज कर दी उन्होंने। तो देखिए जिस प्रकार का लीड प्रियंका गांधी ने लिया और लीड लेने के बाद जो कुछ वीडियो आपके सामने वायरल होके सामने आया, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने रातों रात जो कुछ घटनाक्रम देखने को मिला, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी कहने का स्थिति नहीं, लेकिन उन्होंने लीड लेकर के किसानों के मुद्दे को जिस प्रकार से प्रचारित और अपने लोगों को सक्रिय करने का काम किया, ये तो उनको लीड जाती है। बाकी के दल बाद में आए लेकिन सब एकता के सूत्र बन गए क्योंकि किसान का मुद्दा था, और किसान के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जिस प्रकार से दो मुख्यमंत्री को साथ ले जाकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो उससे लगता है कि क्योंकि आने वाले समय में पूरे देश में फिर कांग्रेस ने पूरे देश में इस माहौल को भुनाने का भी प्रयास किया, वो कितना हुआ था नहीं। लेकिन देखिए मामला संवेदनशील है, निश्चित रूप से इस तरह के मामले में राजनीति को दूर रख करके कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, और जिस प्रकार से अगर केंद्रीय मंत्री का पुत्र नहीं होता तो ये सारी चीज की घटनाक्रम ना तो कांग्रेस इतनी उग्र होती ना राजनीतिकरण होता। समय कम है, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा यहाँ पे कि 18 अक्टूबर को किसान मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी ओर से रेल रोको, 26 अक्टूबर को इनकी पंचायत है लखनऊ में, क्या लगता है कि अभी सरकार पे प्रेशर खत्म नहीं हुआ, कि आप अगर प्रतिपक्ष के प्रेशर को आप खत्म भी कर सकते हैं लेकिन किसानों का एक पर्टिकुलर इस मामले को लेकर के, और अब प्रेशर जो होगा ये राजनीतिक प्रेशर से थोड़ा अलग माना जा सकता है इसे? देखिए योगेंद्र जी, मान के चलिएगा कि अब आशीष जी बाहर नहीं रह पाएंगे, उनको गिरफ्तारी दिखा देगी और बाकी लोगों को गिरफ्तार करके, जब अगर गिरफ्तार कर लोगे तो फिर आप किस बात की मांग करोगे, क्योंकि मांग तो सारी पूरी होगी, अब जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, उसकी रिपोर्ट कब आएगी नहीं आएगी ये बात की बात है, लेकिन फिर राजनीतिक तौर पर जो कुछ जिस प्रकार का वातावरण है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, और सरकार को जिस प्रकार से आज उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ के बाद अगर घर जाने देंगे या उनको अरेस्ट दिखा देंगे तो ये घटनाक्रम आने वाले समय में है। अब देखिए किसान लोग आंदोलन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कितना प्रभावी होता है ये तो आपने पहले भी देखा कि रेल रोको वही होगा,
जहां पर इसका जहां जहां प्रभाव है वहां वहां तो ये सब चीजें उनका ऐलान होगा, उस प्रभावी ढंग से दिखेगा भी, पूरे देश में इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तो राजनीतिक तौर पर निश्चित रूप से कांग्रेस अगर सीधा सपोर्ट करके बाहर आएगी जैसे पहले भी देखा था तो कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। सब विपक्षी दल मिलकर के एकता के सूत्र बनकर बीजेपी का विरोध करेंगे तो हो सकता है किसान इनको लाइक करेंगे नहीं करेंगे। समय थोड़ा कम है, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा। प्रशांत किशोर का जिक्र किया अभी आशीष चतुर्वेदी साहब ने कि उस बयान को भी देखना चाहिए। दो बातें हैं, प्रशांत किशोर का जो बयान था उसमें था कि कांग्रेस को वोट की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जैसे कहा कि कांग्रेस में जान जरूर भर गई है, तो दो बातें हैं कि एक तो कार्यकर्ता में जोश लाना, वोट की जैसे आपने कहा कि बहुत जल्दबाजी होगी, तो प्रशांत किशोर को जो बयान है अभी आशीष जी ने जिक्र भी किया तो वो इसे खारिज करते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश नहीं आ पाया, उन्होंने ये बात नहीं कही है। वो ये कह के चल रहे हैं कि वोट तो वोट में थोड़ी जल्दबाजी होगी, कांग्रेस ये मान के चल रहे कि हमारा वोट भी बन रहा है इस घटना के साथ साथ, या ये मान के चले हैं कि इस घटना से कांग्रेस का जो एक्शन रहा या प्रियंका गांधी का रहा उससे कार्यकर्ताओं में यूपी में जान जरूर आ गई। देखिए योगेंद्र जी, आशीष जी को जो कुछ कहना था फायदे वाली बात इन्होंने भी कह दी, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि हमको वोटों की राजनीति नहीं कर रहे, इसलिए उनका वोटों का इजाफा नहीं होगा। वो राजनीतिक तौर पर बयान दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए नहीं कर रही, किसानों के हित के लिए कर रही है। अब उनका बयान का अलग अलग मायने लगाए जा सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने लगा दिया चतुर्वेदी जी ने कि वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ज्यादा इजाफा होने वाला नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर क्योंकि प्रशांत किशोर सुलझे हुए और कई पार्टियों को चुनाव लड़ा चुके हैं, अब कांग्रेस को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, उनकी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। अब वो फलीभूत कितना होगा नहीं होगा क्योंकि उनको भी आशंका है, एक अभी चुनाव में टाइम है, 5 महीने 6 महीने 8 महीने जो भी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद चुनाव होंगे तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी सबको। लेकिन आज किसानों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सक्रिय हुई है, लोगों में कुछ बोलने का मादा आया, ये तो बात हकीकत सामने आ रही है, वोटों में पंडित होगी। मैं एक एक मिनट मेरे दोनों अतिथियों को भी देना चाहूंगा। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या इसमें ऐसा भी होता है कि इस मामले को निपटाने के लिए, देखिए लंबा नहीं खींचना चाहिए कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष भी है उनके अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो डिमांड है, आपने कहा कि सरकार इससे बेहतर नहीं कर सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर खराब होती तो कौन जिम्मेदार होता, सरकार को वो भी देखना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसके बाद, अभी मैं राहुल गांधी के ट्वीट को भी देख रहा था, अशोक गहलोत भी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद सरकार एक्शन में आई है, इतने दिन तक इसे दबाना चाह रही थी। एक और मुद्दा इस बयान के बाद में प्रतिपक्ष के हाथ लग रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में इसका स्वप्रसंज्ञान लिया है, सरकार ने पहले डिक्लेरेशन कर दिया था कि हम इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे और सरकार ने उसके लिए जो रिटायर्ड जज है उसकी कमिटी भी गठित कर दी है जो इसकी जांच करेगी। जो जिस डीआईजी को इसमें लगाया है, एसआईटी जो बनी है, जिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। आप देखिए सीबीआई से आए हैं अभी और किसी तरह का कोई प्रेशर है नहीं, जो भी कल्प्रिट है उन सबको पकड़ा जाएगा। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर केस में अगर इस तरह से कोई हत्या हुई है या मर्डर हुआ है तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि उसकी फेयर जाँच हो, जो भी दोषी हो उसको गिरफ्तार किया जाए। तो सरकार का लाइन ऑफ एक्शन उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब आप देखिए, अगर राजनीति की वाली बात जब आप कर रहे थे ना, आप देखिए कि पहले इनकी डिमांड थी कि भाई प्रियंका गांधी जी को मिलने दिया जाए, जब सरकार को परमिशन देती तो राहुल गांधी जी दो मुख्यमंत्रियों के साथ जाते हैं, वो उनसे मिल करके आते हैं, मुआवजा दे करके आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए उसके बाद यहाँ पे राजस्थान कांग्रेस डिक्लेयर करती कि हम तो 1000 गाड़ी लेकर के जाएंगे, पंजाब कांग्रेस डिक्लेयर करती हम 10000 गाड़ी लेकर के जाएंगे। आप देखिए अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी की मौत होती है तो क्या आप 1000 और 10000 गाड़ी लेकर के जाते हैं क्या सांत्वना देने के लिए? ये क्या है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सबको पता समय कम है, मैं 30 सेकंड में वरुण जी से जवाब दिलवा देता हूं। सर वरुण जी से जवाब दिलवा देता हूं, समय कम है जी। वरुण जी, क्योंकि ये आखिरी बहस नहीं कह सकता मैं लखीमपुर खीरी को लेकर के, अभी मैं गहलोत जी के बयान, आप लोगों के कांग्रेस के लोगों के जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा कर रहा हूं, और अभी सवाल जो खड़ा किया है कांग्रेस की कार्यशैली पे वहां जाने के लिए चतुर्वेदी जी ने, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, समय कम है। देखिए शैली पे फिर सवाल खड़ा नहीं किया, इन लोगों को पता ही नहीं है, वो तो सब जगह जा सकते हैं, दूसरे कोई जाएंगे तो चिल्लाने लग जाते हैं। ये सब इनसे बहस करना कोई मूर्खता की बात है। आप मुझे बताइए कोई एपिसोड होता राजनेता लोग नहीं जा सकते क्या?
प्रियंका गांधी को कितनी बार रोका है ना उत्तर प्रदेश में, कितनी बार इलीगल डिटेन किया, आप किसी को रोक सकते हो कहीं जाने से? किसी लड़की को आपने रोक दिया कमरे में कितने 60 घंटे तक बंद कर दिया, कर सकते हो? इलीगल डिटेंशन में आता है वो, उसके बावजूद ये इतनी बातें बना रहे हैं। अभी मोदी जी डोंग 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 करते जाकर के विदेशों में, वो क्यों लेके जाते हैं जुलूस, क्यों लेके जाते हैं, क्या करते हैं वहां जाके जुलूस? कह रहे हैं 10,000 क्यों जा रहे हैं 15? अरे भाई जनता का आक्रोश है, आप देखना देश में राजनीतिक सामाजिक क्रांति कगार पे खड़ा है देश इस समय, और आप देखिएगा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आप क्रांति देखोगे। इसलिए भयाक्रांत है ये, प्रियंका गांधी के नाम से घबरा चुके। मैंने आपको एक शेर में जब दहाड़ती है तो जो जिसके मन में चोर होता है वो कांपने लग जाता है, उस हिसाब से ये कांप रहे हैं। आप देखिएगा जनता त्राईमाम कर रही है, छोड़ेगी नहीं। समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। और चलिए लखीमपुर खीरी को लेकर के मैं ये कहूं कि कोई आखिरी बयान नहीं है, ना ही सरकार की ओर से कोई आखिरी एक्शन है, ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि वहां चुनाव भी है, चुनाव पास और मुद्दे में आस, तो वो कोई नहीं छोड़ना चाहता उसे। बीजेपी भी यही कुछ करती अगर अखिलेश की सरकार होती वहां पे या कांग्रेस की सरकार होती, तो ये सिलसिला तो चलता रहता, नई बात नहीं है। लेकिन चले जो भी है, सिचुएशन का ध्यान रखा जाए, सरकार अपने तरफ से हैंडल करने की कोशिश करे लोकतांत्रिक तरीके से, प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहा है, तो जैसे चीजें सामने आएंगी और क्या अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।